हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत मेरी यूट्यूब चैनल में। हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 122 सेक्शन कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है 123, अंतरण कैसे किया जाता है, ट्रांसफर कैसे होता है। इसके लिए बहुत ही आसान जो है पॉइंट है, जैसे कि दो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, मूवेबल और इमूवेबल का, लेकिन दोनों के एक तरीके से समझिए तो एक ही जैसे तरीके हैं। स्थावर संपत्ति के मामले में, यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके मामले में, जो दाता होगा उसे सिग्नेचर करना होगा एक पेपर पे, जिसे आप जो डीड बन के रेडी होगी, जो पेपर बन के तैयार होगा उसे उस पर सिग्नेचर करना होगा, जिसे हम लिखत कहते हैं। या तो वो सिग्नेचर करेगा या उसके तरफ से कोई और भी कर सकता है। और इस पेपर पे दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित करने की आवश्यकता होगी, यानी अटेस्टेशन होगा दो विटनेसेस का। अब अटेस्टेशन क्या होता है, अगर आपको ये अभी तक नहीं पता है तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि अटेस्टेशन क्या होता है। और रजिस्टर्ड आपको जो है पेपर जो है आपका रजिस्टर्ड करवाना होगा, एग्रीमेंट जो आपका होगा उसकी आपको रजिस्ट्री करवानी होगी, वो अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकता। स्थावर संपत्ति के लिए ये चीज जो है बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है ये चीज कि आपको ऐसा करना है। तो ध्यान रखिएगा, स्थावर संपत्ति के मामले में दाता या उसकी तरफ से कोई लिखित पर हस्ताक्षर करेगा, जरूरी है, दो साक्षी उसको अनुप्रमाणित करेंगे और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। अब ठीक इसके नीचे में हम जान लेते हैं जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में हम क्या करेंगे। तो वहां हस्ताक्षर की जरूरत होगी, रजिस्ट्रीकृत की भी जरूरत होगी, और इसके अलावा हम परिदान भी कर सकते हैं, मतलब हम सिर्फ डिलीवरी करके भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं, हमें हस्ताक्षर और रजिस्ट्रीकरण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हस्ताक्षर, रजिस्ट्रीकृत और परिदान। इन तीनों में से आप चाहें तो कोई एक भी अपना सकते हैं, वैसे डिलीवरी तो आपको करनी है प्रॉपर्टी की। आप हस्ताक्षर ना कीजिए, रजिस्ट्रीकृत ना कीजिए, लेकिन हम डिलीवरी करके भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत ही इजी है ये सेक्शन और बहुत ही अच्छा भी है, और इसको ज्यादा खींचने की जरूरत तो है नहीं मुझे लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। जैसा कि मैंने बता दिया कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको उसी हिसाब से पढ़िए, और मेंस में रखना चाहते हैं तो अपना नोट्स तैयार करते चलिए। दो चार महीने का जो वक्त मिला है कोविड की वजह से, उसको आप गंवाइए मत, ये सोच करके कि क्या होगा, कब एग्जाम होगा, पढ़ते चलिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा 124 के लिए होगा, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ठंड से बचिए, आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी।